अगर आप एक ग्लोबल स्टेबल रोम यूज़ करना चाहते हो अपने Redmi Note 5 Pro में, तो ये रोम आप के लिए जो है अच्छी रहेगी और परफॉर्मेंस के मामले में भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है यहाँ पे। साथ साथ यहाँ पे जो इसके मेंटेनर हैं वो आपको अरिजीत साहा की तरफ से मिलता है ये बिल्ड, और यहाँ पे ये एंड्रॉयड 10 जैसे कि आपको बताया, और इसके अंदर जो थीम स्टोर है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल ग्लोबल स्टेबल वाला जो है थीम स्टोर मिलने वाला है, ग्लोबल वाला। तो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल ग्लोबल वाली फीलिंग आपको मिलेगी। आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो देखने को मिलता है वो यहाँ पे परफॉर्मेंस है, साथ साथ यहाँ पे एंड्रॉयड 10 है, क्योंकि Redmi Note 5 Pro के लिए जो है MIUI 12.0.2 लास्ट अपडेट आया है, और उसके बाद जो है हमें वहाँ पे Android 9 ही देखने को मिलता है और कुछ नहीं है। तो जिनका यहाँ पे रिकवरी यूज़ कर रहे हैं कस्टम रिकवरी और यूज़ करना चाहते हैं ग्लोबल, तो आप जो है ये रोम जो है आराम से यूज़ कर सकते हो। परफॉर्मेंस आपको आपके ग्लोबल स्टेबल से काफ़ी अच्छी मिलती है, बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छी है, साथ साथ यहाँ पे थीम स्टोर जैसे कि बताया आपको ग्लोबल वाली ही देखने को मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, देखते और क्या कुछ हमें देखने को यहाँ पे इस बिल्ड के अंदर मिल जाता है। जैसा कि यहाँ पे हम चलते हैं अबाउट फोन में, तो बिल्ड देखोगे MIUI ग्लोबल 12.0.3 स्टेबल जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है मिल जाता है हमें यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे इसके ऑल स्पेक्स में चलते हैं तो ये जो है आपका ओवरक्लॉक्ड है 2.2, एंड्रॉइड वर्जन 10 है, और सिक्योरिटी पैच हमारा यहाँ पे 1 जनवरी 2021 का मिलता है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। कर्नल आपको यहाँ पे डीगल का वर्जन 13 मिलेगा, जैसे कि अरिजीत साह की तरफ से अभी फिलहाल ये कर्नल हमें मिलता है, और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रहती है। हालांकि यहाँ पे जो है सिस्टम अपडेट्स में जो है काफ़ी सारे अपडेट रहेंगे, तो आप अपडेट कर लेना एप्लीकेशन को तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन आपके लेटेस्ट हो जाएंगे, और आपका जो यहाँ पे कास्ट है ये आपको बिल्कुल वर्किंग मिल जाता है, तो इसके अंदर दिक्कत नहीं मिलती है, और लॉक स्क्रीन के अंदर आपको बिल्कुल नॉर्मल मिलता है। जैसे कि आप ग्लोबल स्टेबल में आप देखते हो तो सेम बिल्कुल रहने वाला, चार्जिंग एमिनेशन एक ही आपको नॉर्मल जो मिलता है वही रहेगा, और डिस्प्ले के अंदर आपका डार्क मोड जो है लेटेस्ट यूआई के साथ ही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है लेटेस्ट यूआई के साथ है। और यहाँ पे रीडिंग और कलर आपका बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। कंट्रोल सेंटर आपका यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें आप जो है ओल्ड एंड न्यू कर पाओगे, यहाँ से नॉच का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है यहाँ पे। साउंड एंड वाइब्रेशन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपका जो साउंड इफेक्ट है ये जो है आप यूज़ कर पाओगे, तो MI साउंड एनहांसर आपका यहाँ पे वर्किंग है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और नोटिफिकेशन तो फिलहाल नॉर्मल रहने वाला है। होम स्क्रीन के अंदर भी अगर आप जाते हो तो यहाँ पे भी आप जैसे कि एयरपोर्ट या फिर गूगल डिस्कवर आप यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। आपको दिखा दो तो आप यहाँ पे भी देखोगे तो ग्लोबल वाला भी आपको मिलता है, चाइनीज़ आपको देखने को नहीं मिलता, और बेफालतू के एप्लीकेशन नहीं मिलते यहाँ पे, क्योंकि ये ग्लोबल स्टेबल से पोर्ट किया गया है। और यहाँ पे सर्च बार अगर आप देखोगे तो सर्च बार बस में आपको प्रॉब्लम है कि वो चेंज नहीं होता, बाकी अरेंज आइटम इन रिसेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे आपका जो है वॉलपेपर भी आप देखोगे तो जैसे थीम पे ले जाता है जैसे कि ग्लोबल, और थीम पे हम डायरेक्ट चल के आपको दिखा देते, तो आप देख सकते हो यहाँ पे थीम स्टोर बिल्कुल आपको ग्लोबल वाली ही मिलेगी, यहाँ पे ग्लोबल थीम स्टोर है ये। और यहाँ पे फॉन्ट आप सारी चीज़ें जो है चेंज कर पाओगे। अगर हम चलते हैं यहाँ पे प्रोफाइल पे, तो यहाँ पे भी आप देखोगे डिफ़ॉल्ट आपको ये दो थीम मिल जाती है, यहाँ पे आप जो है कस्टमाइज थीम पे आपको मिल जाता है, तो इसके अंदर जो है बूट एनिमेशन, बूट ऑडियो, ये सारी चीज़ें जो है चेंज कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें मिलेगी। और सिक्योरिटी के अंदर आपका फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपको ओल्ड मिलता है, कुछ कुछ एप्लीकेशन ओल्ड हैं जिनको आप मैन्युअली एपीके इंस्टॉल करके लेटेस्ट कर सकते हो। आपका जो यहाँ पे बैटरी है ये आपको लेटेस्ट यूआई के साथ मिल जाता है, और यहाँ पे बैटरी बैकअप आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, तो बैटरी में फिलहाल प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे जो हमारा ऐप्स दिया गया है जिसके अंदर आपको डुअल ऐप और ऐप लॉक मिल जाता है, तो आप इनका भी यूज़ कर पाओगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर अगर लैंग्वेज में चलते हैं तो लैंग्वेज आपको जैसे ग्लोबल स्टेबल में मिलती है काफ़ी सारी, ऑलमोस्ट सभी मिल जाती है, तो यहाँ पे भी आपको जो है लैंग्वेज में दिक्कत नहीं होने वाली है। इंडोनेशियन लैंग्वेज भी अवेलेबल है, बाकी की भी काफ़ी सारी लैंग्वेज यहाँ पे हमें मिल जाती है। रीजन आप चेंज कर सकते हो, बाकी फुल स्क्रीन डिस्प्ले भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, और ये जो है काफ़ी स्मूथ है, तो इसके अंदर भी आपको लैग नहीं मिलता। एनिमेशन काफ़ी स्मूथ है, नेविगेशन बटन पे आपको जो है होम बटन पे गूगल का आपको देख सकते हो पिक्सल एनिमेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो कुछ इस तरीके जो है ये देखने को मिलता है यहाँ पे। तो आप जेस्चर यूज़ करो या फिर नेविगेशन बटन यूज़ करो, दोनों ही आपका स्मूथ रहने वाला है यहाँ पे, ये काफ़ी अच्छा है। बाकी आपको स्वाइप अप गूगल असिस्टेंट यहाँ पे नहीं मिलता है, और बाहर आपकी जितनी सेटिंग मिलती है सभी अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली इस सेटिंग्स को लेकर के। और यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग जैसे कि आपको मिल जाता है, स्क्रीन टाइम जैसे कि MIUI कभी 12.5 में मिल रहा हो नहीं है, यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग देखने को मिलेगा। और स्पेशल फीचर्स के अंदर भी आपको फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होने वाला, फ्लोटिंग विंडो भी मिल जाता है यहाँ पे, ये सारी सेटिंग्स हमें मिलती है यहाँ पे। बाहर भी आपका अकाउंट सिंह ये सारी चीज़ें आपको मिली जाती है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अब यहाँ पे ऐप अब चलते हैं, फिलहाल हमारा जो कंट्रोल सेंटर है इसके अंदर वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट आपका जो है फिलहाल सेम टाइम पे काम नहीं करता है। एडिट में हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे, MI रिमोट ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, और ये काफ़ी स्मूथ है आपका कंट्रोल सेंटर। और यहाँ पे जो हमारा
वॉल्यूम पैनल है वो आपका ओल्ड मिलता है, तो इसको भी मैन्युअली आप पीके इंस्टॉल करके कर सकते हो। लेटेस्ट पावर मेन्यू आपको ओल्ड मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे एडवांस रिस्टार्ट जैसे कि डेवलपर में नहीं मिलता है, तो आप जो है एडवांस रिस्टार्ट रिकवरी पे जाने के लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको जो है आप आ जाना है अपने अपडेटर के अंदर, और यहाँ पे जैसे कि अपडेटर है और यहाँ पे थ्री डॉट दिया गया, तो यहाँ पे भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जो है वर्जन पे जो कि लोगो दिया है MIUI 12 का, उस पर क्लिक करना करीब 10 से 11 टाइम फास्ट, तो यहाँ पे रिबूट टू रिकवरी आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से रिबूट कर पाओगे। और यहाँ पे आप देखोगे ऐप ओपनिंग, तो ऐप ओपनिंग भी आपके बिल्कुल स्मूथ है और फास्ट है, तो यहाँ पे भी आपको लैग नहीं मिलता है, आपका ऐप ओपनिंग डिले नहीं है, तो यहाँ पे जो है आपको एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसमें भी, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी लैग नहीं मिलता है। और जो रैम है वो आपका करीब 1.8 GB फ्री मिल जाता है 4 GB के अंदर, और कैमरा MIUI वाला ही मिलता है जिसके अंदर आप पोर्ट्रेट मोड जो है आराम से यूज़ कर पाओगे, इसमें दिक्कत नहीं होने वाली आपको। ये जो है हमारा वर्किंग है, और यहाँ पे जो वीडियो क्वालिटी हमें मिलती है वो 4K 30 FPS तक की, जैसे कि आप बाकी पोर्ट रोम्स में देखते हो उस तरीके से यहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका जो GCam है बिल्कुल अच्छे से काम करें, एंड्रॉइड 10 है, तो जैसे कि वीडियो बनाया था मैं इसका, तो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा नोट 5 प्रो के लिए ही, जिसमें स्लो मोशन एंड पिक्चर क्वालिटी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ उस वीडियो में, तो आप देख लेना और वहीं पर लिंक भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन यहाँ पे जो आपके देखने को मिल जाते हैं, तो कुछ कुछ एप्लीकेशन आपके ओल्ड ही रहेंगे अभी लेटेस्ट नहीं, तो मैनुअली आप करना चाहो कर सकते हो। जैसे कि आपकी जो गैलरी है ये भी आपको लेटेस्ट नहीं मिलती है, ओल्ड ही आप देख सकते हो, जैसे कि ये वर्जन है जिस हिसाब से उसके हिसाब से देखने को मिलता है। तो अगर आप मैन्युअली करना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ पे लेटेस्ट गैलरी भी APK इंस्टॉल करके डायरेक्ट, तो वो आपका लेटेस्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे प्ले स्टोर की तरफ चलते हैं, तो जैसे कि अरिजीत शाह के बिल्ड्स में अभी फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे सर्टिफाइड, तो यहाँ पे भी जो है सर्टिफाइड नहीं, तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी जिसको रूट करके आपको सर्टिफाइड करना पड़ेगा, तो आप देख लेना वहीं जो है आप कर पाओगे। और यहाँ पे आपका जो ये एप्लीकेशन है गूगल के, आपका यूट्यूब नॉर्मल वाला ही है, ये सब आपको प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपका MI रिमोट आपको वर्किंग मिल जाता है, FM आपका मिल जाता है, और यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखोगे तो थोड़ी सी लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा लेटेस्ट मिल जाता है, 90 FPS तक का फ्रेम रेट भी मिल जाता है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर हम कॉलिंग में चलते हैं तो वोल्टी आपका काम कर रहा है, वीडियो कॉल भी यहाँ पे वर्किंग है, ब्लूटूथ ऑडियो आपका मीडिया पे भी वर्किंग है और कॉलिंग पे भी वर्किंग है, बाकी प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये सारी चीज़ें तो फिलहाल आपका काम करेगा एंड्रॉइड 10 है, वाईफाई कॉलिंग जो है काम नहीं करता। अगर हम यहाँ पे चलते हैं टूटे स्कोर की तरफ, तो 155,790 है, जो कि डीगल वर्जन 13 पे काफ़ी अच्छा स्कोर आपको इस तरीके से ही देखने को मिलता है। और गेम के अंदर आपका यहाँ पे देखोगे गेम टर्बो में, तो यहाँ पे वॉइस चेंजर दिया गया, हालांकि ये जो है काम नहीं करता, तो इसका यूज़ आप नहीं कर पाओगे। और पबजी के ग्राफिक अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें स्मूथ पे हाई और बैलेंस पे हाई और HD पे हाई तक हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल इतना है, अगर आप ग्राफिक अनलॉक करना चाहते हो तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के मामले में, तो जैसे कि डीगल वर्जन 13 है और MIUI के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है ये कर्नल, तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में भी दिक्कत नहीं होने वाली है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी। अगर आप FPS जो है अनलॉक करते हो इसका, जैसे कि यहाँ पे आप एक्सट्रीम तक इसका अनलॉक करते हो, डिस्क्रिप्शन पे वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उसके FPS के हिसाब से और भी बेटर आपको जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा गेमिंग में। तो परफॉर्मेंस में आपको कमी फिलहाल यहाँ पे नहीं मिलता इस बिल्ड के अंदर, आपकी बैटरी बैकअप अच्छी है, साथ साथ यहाँ पे ग्लोबल थीम आपको इस पोर्ट के अंदर मिल जाएगा, पूरी तरीके से आपको जो है यहाँ पे ग्लोबल स्टेबल वाली ही फीलिंग देखने को मिलेगी। जैसे कि ग्लोबल स्टेबल हमारा 12.2 है और उसमें एंड्रॉइड 9 मिल जाता है, और इस तरीके से परफॉर्मेंस तो आपको नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। और हालांकि थीम स्टोर इसमें भी आपको जो है ग्लोबल ही मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे एंड्रॉइड 10 है, परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाती है, बैटरी बैकअप में भी कमी नहीं है, और भी काफ़ी कुछ है जो कि आपको यहाँ पे पबजी जैसे कि HD तक आपका अनलॉक मिल जाता है, उसमें हमें नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो थोड़ा सा एडवांटेज तो आपको ज़रूर उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो मिल जाता है। काफ़ी लोगों को ये भी डाउट होता है कि अपडेट नहीं आया है, फेक वीडियो है, ये सारी चीज़ें भी कमेंट करते हैं, तो उनको भी ये चीज़ बता दूँ कि ये जो है पोर्ट रोम है, ग्लोबल स्टेबल अपडेट आपको नहीं आएगा ये वाला फिलहाल अभी तो, लेकिन ये जो है आपका पोर्ट रोम है, एंड्रॉइड 10 है वो भी, तो इसलिए आप जो है ये चीज़ कमेंट करने से पहले एक बार अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको जो है यहाँ पे सारी चीज़ें पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर काफ़ी लोग आना चाहते जो हमारे पोर्ट रोम यूज़ करते काफ़ी लोग भी, तो अगर आना चाहते इस पर तो आप जो है आ सकते हो यहाँ पे MIUI ग्लोबल स्टेबल अगर आप यूज़ करना चाहते हो, तो ये रोम आपके लिए बेस्ट रहेगी। और रोम फ्लशिंग आपका बिल्कुल सेम रहेगा बाकी रोम की तरह ही यहाँ पे भी है, और यहाँ पे जैसे कि रोम आपका जो ऑन हो जाएगा बूट होने के बाद सेटअप करने का आता है, तो उस टाइम पे भी एक नोट आता है ऐसे कि सिस्टम डिस्ट्रॉय ऐसा कुछ आता है कि उसका जो आता है तो उसको सिंपली इग्नोर करना, काफ़ी सारी रोम्स में वो हमें देखने को मिलता है, तो अपनी तरफ से एक नोट बस देखने को मिलता हो, बाकी उसे आप इग्नोर करके सिंपली अपना सेटअप कंप्लीट कर लेना बस, और कुछ यहाँ पे नहीं करना, उसके बाद आप यूज़ करो आराम से, ये जो है आपको यहाँ पे इस तरीके जो है परफॉर्मेंस के साथ मिल जाएगी। तो बस आज का इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।